गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे टॉपर्स, आज हम आपको एक ऐसे कड़वे सच के बारे में बताना चाहते हैं। बोले तो हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी किस्ती डूबी थी वहां जहां पानी कम था। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। एक ऐसा सच जिसमें अपने ही लोग धोखा देते हैं, और ऐसे अपने लोग जिन पर हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। हो सकता है कि आपको भी किसी से धोखा मिला हो, आप भी किसी के साथ टूटे हो। धोखा जब मिलता है तो आदमी टूट जाता है, दिल के अरमां आंसू में बह गए, क्या करें, वो रास्ते थे, वो वक्त था, वो सब निकल गए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी डिसीज के बारे में जिसमें हमारी खुद की ही बॉडी सेल्स को ही मारने लगती है। बोले तो अपनी सेल्स को ही मार रही हैं, अपनी ही चीजें धोखा देती हैं। तो हम जो बताने जा रहे हैं उस डिसीज को, उस स्पेशल टर्म को क्या नाम देंगे, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये है कि ये एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम का केस है, जिसमें इम्यून सिस्टम सही ढंग से काम नहीं करता है और वो हमारी बॉडी की सेल्स को रिजेक्ट करने लगता है, हमारी बॉडी की ही सेल्स को मारने लगता है। इसको हम क्या कहेंगे, ऑटो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी किसे कहते हैं, किसी से लड़ने की पावर। ऑटो का मतलब खुद, वो जब इम्यूनिटी खुद से ही लड़ने लगती है तो क्या है, केस वही आ जाता है कि नहीं, हमारी किस्ती डूबी थी वहां जहां पानी कम था। तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं, इट इज एन एबनॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स, इट इज एन एबनॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स, इन विच अवर इम्यून सेल्स रिजेक्ट own body cells, अपनी ही खुद की ही बॉडी सेल्स को रिजेक्ट करने लगती है हमारी इम्यून सेल्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। और सेल्फ सेल्स उनको रिजेक्ट करना चालू कर देती है कि भाई तू अब अपनी नहीं है, चली जा। हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, हमारी दूसरी बॉडी सेल्स को रिजेक्ट करना चालू कर देती है, अब नहीं चले जाओ, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला। वो वाला सिस्टम यहाँ पर होगा जो दूसरी बारी सेल्स हैं बेचारी पिटने लगती हैं, क्योंकि इम्यून सेल्स हैं, पावरफुल सेल्स हैं, और वो हमारी बॉडी की दूसरी वाली सेल को डिस्टर्ब करने लगती है। एग्जाम्पल इसके क्या है, ऑटो इम्यूनिटी की कुछ डिसीज है जिनको हम कह सकते हैं एडिसन्स डिसीज है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस है, इटिस, पार्किंसंस डिसीज भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी मुझे लग रहा है आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। ऑटो इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जिसमें हमारी खुद की ही बॉडी सेल्स हमारी खुद की दूसरी वाली सेल को रिजेक्ट करने लगती हैं, मारने लगती हैं, किल करने लगती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटो इम्यूनिटी कहेंगे। अब हम इम्यूनिटी के बारे में देख रहे थे, इम्यून सिस्टम के बारे में हम बहुत टाइम से पहले वाली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया इम्यून सिस्टम का, तो इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं कि इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं।
कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स को अब हम देखेंगे। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? पहला वाला देखते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो गए। दूसरा वाला इम्यून सेल्स, दूसरा वाला इम्यून सेल्स है। तीसरा वाला जो है सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीजन्स, सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीजन्स। और फोर्थ वाला जो है हमारा वो है लिम्फॉइड टिश्यूज। तो ये हमारे कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम के। इम्यून सिस्टम उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी की एबिलिटी है जिससे कि हम डिसीज कॉजिंग एजेंट से फाइट कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम। और इनकी हेल्प से हम डिसीज कॉजिंग पैथोजन से लड़ सकते हैं। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए। अब बात आती है कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की। ठीक, लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में अगर हम बात देखें तो लिम्फॉइड ऑर्गन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और दूसरा वाला जो होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। पहले वाला कौन सा है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जो हमारी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं इम्यून सेल्स वो यहां पर ओरिजिनेट होती हैं और डेवलप होके मैच्योर होती है। और बिल्कुल इफेक्टर सेल्स में एंटीजन सेंसिटिव सेल्स में तैयार हो जाती है। और ये यानी कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमारी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो यहां पर एराइज होती हैं, यहां से ओरिजिनेट होती हैं, मैच्योर होती हैं और तैयार हो जाती हैं लड़ने के लिए। यानी कि आप पैदा हुई उनको ट्रेनिंग मिल गई, ये तैयार है लड़ने के लिए। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ये युद्ध का मैदान है जहां पर वो लड़ाई करती हैं। वहां वहां लड़ाई करेंगी जहां जहां पैथोजन मिलेगा। ठीक, तो ऐसे जहां जहां पैथोजन मिलने की संभावना होती है उन ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, क्योंकि वहीं तो फाइटिंग होगी। और जहां पर हमारी लिम्फोसाइट्स डेवलप होती हैं, मैच्योर होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक, तो हम लिखेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में, आप जानते हैं। ठीक, तो देखिए भैया प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या हो रहा था? लिम्फोसाइट्स जो होती थी वो पैदा हो रही थी और
डेवलप होके मैच्योर हो रही थी, एंटीजन सेंसिटिव सेल्स हमारी बन रही थी। तो हम यहां लिख सकते हैं लिम्फोसाइट्स एराइज एंड मैच्योर। लिम्फोसाइट्स एराइज होती है, यहां पे बनती है और मैच्योर होती है। बताती भाई लिम्फोसाइट क्या होती है। लिम्फोसाइट्स ऐसी सेल्स जो पैथोजन को मारती हैं, उनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। कहां पर एराइज होती हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। लिम्फोसाइट्स एराइज एंड मैच्योर एंड फाइनली दे बिकम एंटीजन एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। और फाइनली वो जो है क्या बन जाती है, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स बन जाती है। यानी कि अगर एंटीजन आएगी तो आइए प्यार में ले लेंगे, गर्दन मरोड़ देंगे भैया, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब वो इफेक्टर सेल्स हो गई हैं। ठीक है, ये हमारी है कौन, प्राइमरी लिम्फोसाइट्स, ये सॉरी लिम्फोसाइट्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हैं? ऐसे ऑर्गन जहां पर लिम्फोसाइट्स पैदा होती हैं, मैच्योर होती हैं और वो बिल्कुल तैयार हो जाती हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट का मतलब वो ट्रेनिंग होके तैयार हो गई है पीटने के लिए। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, बोन मैरो एंड थाइमस, ये इनके एग्जाम्पल है। तो पहला देख लेते भैया बोन मैरो क्या होता है कि ऐसी जगह है जो बोन के बड़ी जो लंबी लंबी जो बोन्स पाई जाती हैं उनके बीचों बीच में जो जगह पाई जाती है उस जगह को हम क्या कहते हैं, बोन मैरो। और बोन मैरो में सारी तरह की ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं जिसमें लिम्फोसाइट्स भी होती हैं। तो बोन दे प्रोड्यूस इट प्रोड्यूस यानी बोन मैरो प्रोड्यूस ऑल ब्लड सेल्स बोन मैरो प्रोड्यूस और ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग कौन सी, लिम्फोसाइट्स WBCB RBCB प्लेटलेट्स भी यहां पर सब प्रोड्यूस होती है। लिम्फोसाइट्स भी उनमें से हैं जो ये प्रोड्यूस करती है बोन मैरो। दूसरा वाला केस क्या है, स्पेशली कौन, बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड मैच्योर। स्पेशली कौन सी, बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो प्रोड्यूस की जाती हैं और मैच्योर होती हैं। तो ये हमारी बी लिम्फोसाइट्स, आप कैसे याद रखोगे, बोन मैरो बी लिम्फोसाइट्स। अब हमारी कौन सी आ रही, थाइमस के बारे में बात करेंगे भैया। थाइमस जो है ये एक ग्लैंड का काम करती है,
और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारे हेड के पास, ये ब्रेस्ट बोन है इसके नीचे, यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। तो इट इज प्रेजेंट नियर हार्ट, हार्ट के पास ये प्रेजेंट होती है। एंड ब्रेस्ट बोन के नीचे और ये हार्ट के पास प्रेजेंट होती है। कौन प्रेजेंट होती है? थैमस प्रेजेंट होती है दिल के पास। एक गाना था ना कि नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो है थाइमस। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है। थम जाओ, ज्यादा मत आगे बढ़ो भैया, क्योंकि थाइमस रहता है। थम जाओ। तो ये इट इज प्रेजेंट नियर हार्ट एंड बीनीथ ब्रेस्ट बोन। नियर हार्ट के नियर होती है दिल के पास, और ब्रेस्ट बोन के पीछे होती है। कौन थैमस? गजब की बात। और बताएं आपको, जब ये हम छोटे होते हैं तब ये थैमस बड़ी लार्ज होती है, और उम्र के साथ साथ रिड्यूस होती चली जाती, घटती चली जाती है। और जैसे हम 60 के आसपास पहुंचते हैं तो ये बिल्कुल बेकार हो जाती है, और उसके बाद हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की ताकत जो है कम होने लगती है। तो हम क्या कहते हैं, भाई बुढ़ापा चालू हो गया है। 40 के बाद ही धीरे धीरे बहुत कम होने लगती है। तो ये बुढ़ापा जब चालू हो जाता है तो इसका मतलब थाइमस बहुत कमजोर हो गई। तो देखिए, इट इज लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के समय ये लार्ज होती है एंड रिड्यूस्ड विद एज, और उम्र के साथ साथ ये रिड्यूस हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तीसरी वाली कहानी क्या है कि कौन सी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती हैं? टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस आर प्रोड्यूस्ड एंड मैच्योर इन थाइमस। थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस की जाती है, मैच्योर की जाती है, इसलिए तो हमने क्या बोला इसको, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है ना। अब एक बात देखिए, बी से बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस की जा रही है और टी से टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस की जा रही है, तो आराम से आप क्या लगा सकते हो, इसका अपना तुक्का लगा सकते हो। अब ये हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गई है। अब बात क्या आती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में, हम देखते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कैसे होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जहां पर घमासान होता है, युद्ध का मैदान होता है, यानी कि जहां पर हमारी लिम्फोसाइट्स लड़ाई करती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स मैंने आपको बताया था, यहां पर जो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं,
सेकेंडरी लिम्फोसाइट, प्राइमरी लिम्फोसाइट्स वो क्या करती है भैया, इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो तैयार है एंटीजन के साथ रेस्पॉन्स करके वो इफेक्टर सेल्स में बन जाती है, प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़ती है। इन दीज ऑर्गन्स लिम्फोसाइट्स बिकम्स लिम्फोसाइट्स रिएक्शन विद पैथोजन्स और एंटीजन्स, पैथोजन और एंटीजन से रिएक्शन करती हैं एंड दे बिकम एज इफेक्टर सेल्स वो इफेक्टर सेल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये बात आ गई। ये सेकेंडरी लिम्फोइड जो ऑर्गन होता है इसके कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे स्प्लीन, एग्जांपल है हमारा पेयर पैचेस इन इंटेस्टाइन में पेयर पैचेस होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर पैचेस होते हैं। अपेंडिक्स टॉन्सिल्स एंड लिम्फ नोड्स ये जो है हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। अब बात करते हैं, हम पहले स्प्लीन की बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कुछ जैसे स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। स्प्लीन के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्प्लीन जो है लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है, जैसे बीन नहीं होती, सेम जो होती है उसके जैसा ये ऑर्गन है और इसमें लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स प्रेजेंट होती है। ये ब्लड को फिल्टर करता है और जहां से जब ब्लड में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन्स हैं, तो ये हमारी लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स उनको किल कर देती है और ये आरबीसी का भंडार भी होता है। तो हम कह सकते हैं इट इज लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन विच कंटेन क्या कंटेन करके रखते हैं वो, क्यों भैया, लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स उसे कहते हैं जो अपने अंदर ले लेती हैं, मार देती हैं ऐसी सेल्स को, फैगोसाइट्स कहते हैं। दूसरा वाला जो कह रहा है पॉइंट वो ये है
स्प्लीन, फिल्टर टू ब्लड, स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करता है, एंड इफ माइक्रो या पैथोजेंस कह लीजिए सीधे, इफ पैथोजेंस प्रेजेंट इन, इफ पैथोजेंस प्रेजेंट इन ब्लड तो कौन मारेगा, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स एनकाउंटर टू पैथोजन, एंड फैगोसाइट्स एनकाउंटर टू पैथोजन। ये लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स जो होती हैं, ये पैथोजन को एनकाउंटर कर देती हैं। जैसे कि आजकल यूपी पुलिस में बड़ा चल रहा है एनकाउंटरिंग का मामला, तो ये कौन एनकाउंटर कर रहा है, लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स एनकाउंटर कर देती हैं। स्प्लीन जो है रिजर्वियर है आरबीसी का, एरिथ्रोसाइट्स का, और यानी कि एरिथ्रोसाइट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी जब 120 दिन की अपनी लाइफ को कंप्लीट कर लेती है तो यहाँ स्प्लीन में ही उसकी कब्र बन जाती है। तो स्प्लीन या फिर एट एज रिजर्वियर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स हम किसको कहते हैं, आरबीसी को ही कहते हैं। तो स्प्लीन जो है ये बीन शेप्ड ऑर्गन है, हमारे यहाँ पर चेस्ट में अंदर पाया जाता है, और इनमें लिम्फोसाइट्स और ये फैगोसाइट्स को कंटेन करके रखता है, और ये जो है ये ब्लड को फिल्टर करती है, और अगर ब्लड में पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं तो ये इसमें जो लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स जो होती हैं ये पैथोजेंस को एनकाउंटर कर देती हैं, और एरिथ्रोसाइट्स का ये लार्ज रिजर्वियर है, यानी कि यहाँ पर आरबीसी बहुत ज्यादा पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, स्प्लीन में पाई जाती है। अब बात करते हैं लिम्फ नोड्स की, लिम्फ नोड्स क्या क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो लिम्फ नोड्स कहां पर पाए जाएंगे, लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाएंगे हमारे लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, लिम्फ नोड्स। तो देखिए इसकी भी कहानी क्या होती है, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड जो होता है इट इज सॉलिड स्ट्रक्चर विच which present in lymphatic system में ये present होते हैं। कौन, lymph nodes, पर छोटी गांठ गांठ जैसा स्ट्रक्चर होता है जो lymphatic system में ये present होते हैं। कौन, lymph node, गांठ जैसा स्ट्रक्चर होता है, गांठ नहीं होती, ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। दूसरी वाली बात क्या है कि इनमें लिम्फोसाइट्स बहुत ज्यादा पाई जाती है,
लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट इन लिम्फ नोड्स. लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट इन लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती है एंड दे एनकाउंटर कौन लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स एनकाउंटर कर देती हैं एनकाउंटर टू पैथोजेंस और एंटीजेंस और डिसीज कॉजिंग एजेंट्स प्रेजेंट इन लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं जो एंड टिश्यू. जो पैथोजन लिम्फ और टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं उनका एनकाउंटर कौन कर देती है लिम्फोसाइट्स कर देती है. तो ये जो लिम्फोसाइट्स कहां पर प्रेजेंट होती है लिम्फ नोड्स में ये प्रेजेंट. अब बात करते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. तो ये देख लीजिए आप एसोसिएटेड ये क्या हो गया माल्ट MALT म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. अब इसके बारे में बात कर लें क्योंकि ये भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है. इसमें क्या होता है भैया ये भी लिम्फोइड जो टिश्यू है इट इज लिम्फोइड टिश्यू का पार्ट है जो 50% लिम्फोइड टिश्यू बनाता है. इट इज मास ऑफ या पार्ट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू विच प्रेजेंट लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा. लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी की म्यूकोसा में की लाइनिंग में पाया जाता है. डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होती है उसकी म्यूकोसा के पास पाया जाता है एंड यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट. ये एक ऐसा लिम्फोइड टिश्यू है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसकी म्यूकोसा के पास पाया जाता है. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के म्यूकोसा के पास पाया जाता है म्यूकोसा की लाइनिंग उसके पास पाया जाएगा. इसी यूरिनोजेनिटल जहां पे यूरिन निकलता है जहां से हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसकी ट्रैक्ट के म्यूकोसा के पास ये पाया जाता है. और ये जो है इट मेक्स 50% ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम का 50% ये बनाता है. ठीक ये वाली कहानी हो गई हमारी म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू की.
तो लिम्फोइड टिश्यू हमने देखा आपका ये लिम्फ नोड्स के फॉर्म में, म्यूकोसल माल्टी के फॉर्म में हमने देखा, हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में बात कर रहे थे जहां पर हमारी लड़ाई होती है पैथोजेंस और किसके बीच में लड़ाई हो रही है, लिम्फोसाइट्स के बीच में। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं खत्म कर लेते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।